तो हम लोग करते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन। ओके 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, 21 में गिवन है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है ओके एंड बी पावर ए इज इक्वल्स टू एफ सच दैट ए टू बी फंक्शंस। ओके मेरे पास ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई है ओके एंड डिफाइन किया गया है मेरे पास बी पावर ए इज इक्वल्स टू एफ सच दैट ए टू बी फंक्शंस। ओके एंड ए पावर बी डिफाइन है मेरे पास बी टू ए फंक्शंस। ओके तो ये दो सेट गिवन है और ए और बी दोनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए अगर आप इनकी चलिए बात करते हैं कि जैसा हमें गिवन है हम इसमें से क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस सेट में मेरे पास कितने फंक्शन आएंगे, कर्नलिटी ऑफ बी की पावर कर्नलिटी ऑफ ए, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेरे पास बी पावर ए में क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग तो मेरे पास होंगे कर्नलिटी ऑफ बी पावर कर्नलिटी ऑफ ए, और इसके अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास क्या होने वाला है कर्नलिटी ऑफ ए पावर कर्नलिटी ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की ओर। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है इफ बी पावर ए एंड ए पावर बी इज काउंटेबल। ओके बी पावर ए पावर बी इज काउंटेबल देन ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल। अब देखिए काउंटेबल के भी दो केस होते हैं, या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ओके उसने बोला है कि अगर मेरे पास बी पावर ए काउंटेबल है एंड ए पावर बी काउंटेबल है तो मेरे पास क्या होगा ए और बी दोनों क्या होंगे काउंटेबल ही होंगे। ओके तो चलिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं इसको पिक करता हूँ फर्स्ट वाले को पिक करता हूँ। ओके ये मेरे पास काउंटेबल है, अगर ये मेरे पास काउंटेबल होगा तो इसके पास दो चॉइसेस रहेंगी, एक फाइनाइट होने की रहेंगी और एक इनफाइनाइट होने की रहेंगी। ओके एक फाइनाइट होने की रहेंगी और एक मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट होने की चांसेस रहेंगे, अच्छा मतलब चॉइसेस रहेगी मेरे पास। अच्छा फाइनाइट होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरे पास ये अगर फाइनाइट है कर्नलिटी ऑफ बी पावर कर्नलिटी ऑफ ए तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ये इंप्लाई करेगा आपका कि कर्नलिटी ऑफ बी एंड कर्नलिटी ऑफ ए बोथ आर फाइनाइट, बोथ आर क्या होंगे फाइनाइट होंगे। ओके दोनों की कर्नलिटी फाइनाइट होगी मतलब वो काउंटेबल होंगे। ओके इनफाइनाइट में देखते हैं अगर ये हो गया काउंटेबल हो गया तो हमारी जो इंप्लाई किया गया वो सही है, लेकिन अब हम लोग प्रॉब्लम कहाँ कर सकता है इनफाइनाइट में कर सकता है, इनफाइनाइट में चलिए देखते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट के भी हमारे पास कुछ वे हैं, कैसा है देखिए इनफाइनाइट होने के भी इसके कैसे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर अब देखिए इनफाइनाइट होने के भी यहाँ पर केसेस हैं। फर्स्ट केस में अगर मैं लेता हूँ कि अगर मेरे पास बी की कार्डिनैलिटी जो है वो अगर ग्रेटर देन वन हो गई, मान लीजिए अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर ग्रेटर देन वन हो गई और ए की कार्डिनैलिटी अगर मेरे पास ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन वन और फाइनाइट अगर हो मेरे पास और ए की कार्डिनैलिटी मेरे पास अगर फाइनाइट है सम कोई फाइनाइट है तो ये हमेशा फाइनाइट आएगा काउंटेबल आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा ये फाइनाइट आने वाला है, लेकिन हमें क्या चाहिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आएगा जब कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वन और ए की कार्डिनलिटी फिर क्या होनी चाहिए मेरे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए। ओके अगर यहाँ पर इनफाइनाइट अगर आप करते हो तो टू पावर अगर मेरे पास इनफाइनाइट अगर आप इसको करते हो तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा टू पावर एलिफ नॉट, क्योंकि सबसे स्मॉलर इनफाइनाइट मेरे पास कौन सा सेट होता है नेचुरल नंबर होता है, तो अगर आप इसको इनफाइनाइट बोल रहे हो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टू पावर एलिफ नॉट या थ्री पावर एलिफ नॉट वो बन जाएगा मेरा कॉन्टिनम नंबर। ओके कार्डिनलिटी मेरे पास सी चली जाएगी जबकि क्या गिवन है हमको काउंटेबल गिवन है, हमें ऐसा टेस्ट करना है बस हम ऐसा देख रहे हैं। ओके तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वन और इसको क्या है ये फाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा पहली चीज, तो ये है मेरे पास इनफाइनाइट होना पड़ेगा इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये मेरे पास एलिफ नॉट के इक्वल आएगा। ओके तो फर्स्ट ये मेरे पास चॉइसेस होगी जो कि क्या होगी वो तो होगा ही नहीं इसमें। ओके अच्छा सेकंड हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्या होगा कि बी को आप इनफाइनाइट कर दो, ऐसा कर सकते हो आप यहाँ पर कि बी को इनफाइनाइट कर सकते हो, बी को अगर आप इनफाइनाइट करोगे और अगर आपने ए को अगर इनफाइनाइट किया एलिफ नॉट बी को अगर आप इनफाइनाइट कर रहे हो और तो फिर हमें ए को क्या करना पड़ेगा हमें फाइनाइट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ए को अगर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट हो जाएगा
जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर वो कंटिन्यूम नंबर आएगा, जबकि हमें गिवन क्या है, काउंटेबल गिवन है। तो जब बी को आप इनफाइनाइट करोगे और ए को आप सम फाइनाइट करोगे, तो मेरे पास एलिफ नॉट की पावर सम फाइनाइट कुछ भी करते हो आप एम, तो मेरे पास फाइनाइट के लिए वो क्या हो जाता है, मेरे पास एलिफ नॉट ही आएगा, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि बी मेरे पास कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, ओके, और ए कैसा होगा यहाँ पर मेरे पास, लाइक ए मेरे पास सम फाइनाइट होगा। तो यार मतलब यहाँ पर कुछ भी ले लो, मतलब मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया था आपको कि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है जो कि उसमें लाई नहीं करेगी, ओके, वो चीज उसको इंप्लाई ही नहीं कर रहा है पहली चीज तो, लाइक अपने से हमने ऐसा सोचा, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम कर ले यहाँ पर बी और ए कैसा होने वाला है, काउंटेबल ही होने वाला है, लाइक काउंटेबली इनफाइनाइट होने वाला है या काउंटेबल फाइनाइट फाइनाइट होने वाला है। इसी तरह हम लोग ए और बी में चेक करेंगे, इसी तरह एज इट इज हम लोग ए और बी में भी चेक करेंगे, तो मेरे पास ए और बी के मेरे पास काउंटेबल चॉइसेस ही आने वाली हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन के लिए आप देख लीजिएगा सेम है, ओके। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इफ ए पावर बी इज काउंटेबल, अब देखिए ए पावर बी इज काउंटेबल, ओके, दिस इंप्लाइज ए इज फाइनाइट एंड बी इज काउंटेबल। अब देखिए अगर मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है काउंटेबल है, अगर ये मेरे पास काउंटेबल है तो फिर से इसके पास दो चॉइसेस होंगी, फिर से इसके पास दो चॉइसेस होंगी, ओके, तो दो चॉइसेस होंगी। फाइनाइट में तो हमेशा लाई करेगा, फाइनाइट में तो वो सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट में देखते हैं हम लोग, इनफाइनाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बोल रहा है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, ए मेरे पास फाइनाइट होना चाहिए, बी काउंटेबल होना चाहिए, ओके। तो अगर मैं ए को इनफाइनाइट ले लूँ, अगर मैं ए को इनफाइनाइट ले लूँ, लाइक ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट कर दूँ और बी की कार्डिनलिटी टू कर दूँ या सम फाइनाइट नंबर कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, अलिफ नॉट की पावर टू, तो मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। लाइक ये तो काउंटेबल तो है, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, काउंट एग्जांपल दिया आपको कि ये मेरे पास क्या है, काउंटेबल ही तो है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए की कार्डिनलिटी मैंने इनफाइनाइट कर दी और बी की कार्डिनलिटी फाइनाइट कर दी, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, ए फाइनाइट होना चाहिए और बी मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, काउंटेबल, ओके। तो ये दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन चलते हैं हम लोग। इफ ए काउंटेबल एंड बी फाइनाइट, अगर मान लीजिए मेरे पास ए काउंटेबल है, ओके, सी ऑप्शन है मेरे पास, बी ऑप्शन इनकरेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए इज काउंटेबल, ए इज काउंटेबल एंड बी इज फाइनाइट, बी इज फाइनाइट, ओके। तो दिस इंप्लाई ए पावर बी इज काउंटेबल, ओके, ए पावर बी इज काउंटेबल। अच्छा ए पावर बी की काउंटेबल बोल रहा है, मतलब क्या है, कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी, कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अगर मेरे पास ये काउंटेबल है और ये फाइनाइट है, तो ऑलवेज क्या आने वाला है, काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबली इनफाइनाइट रखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक एलिफ नॉट आएगी इसकी कार्डिनलिटी, ओके, तो ये मेरे पास क्या आएगा, इसकी पावर ऑफ सम फाइनाइट करेंगे तो मेरे पास काउंटेबल ही आने वाला है, ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस वो सेट है काउंटेबल, लाइक आपको इनफाइनाइट से ही देखना है, अलग अलग चेक करना है, ओके, क्योंकि फाइनाइट में तो वो चीज़ लाई ही करेगा, मतलब कि वो चीज़ इम्प्लाई करेगा फाइनाइट में, लेकिन इनफाइनाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही हमें देखना है यहाँ पर, ओके। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन में क्या है, ए फाइनाइट एंड बी काउंटेबल। अब ए को फाइनाइट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए को आप देखिए, ए फाइनाइट एंड बी इज काउंटेबल, दिस इंप्लाई ए पावर बी इज काउंटेबल। अब आप देखिए यहाँ पर ए को फाइनाइट अगर मैं टू ले लूँ और B को countably infinite elif not ले लूँ, तो 2 power elif not हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, uncountable हो जाएगा, और इसमें क्या दे रखा है, A power B is countable, तो this option is incorrect। तो यहाँ पर मेरे पास option क्या होंगे, A and C is true option, okay, A and C is true option। तो simple सा था question, बस यहाँ पर countable लाइक countably infinite देखना था आपको, क्योंकि finite में तो वो चीज़ें होंगी ही, obviously होंगी, क्योंकि काउंटेबल की बात कर रहा है तो फाइनाइट तो होगा ही, तो हम लोग दोनों सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि क्या मेरे पास होगा क्या नहीं होगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं 22 नंबर, हम लोग देखते हैं 22 नंबर, ओके। 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट है मेरे पास, लेट एक्स बी अ सेट देन इन पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X A union B, X A union B इसको A union C something like इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी शायद इस क्वेश्चन में, ओके, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, हम चलते हैं 23rd की ओर, इसमें शायद मिसप्रिंट है कुछ, ओके, 23rd की ओर चलते हैं हम लोग।
23rd में क्या गिवन है? cos a b c इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x, कुछ मिसप्रिंट है. ओके तो चलते हैं हम लोग 23rd की ओर. लेट x इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x इज लेस देन 1 एंड y इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x इज लेस देन 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0. देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? x इज सिमिलर टू y, y इज सिमिलर टू r प्लस, x इज सिमिलर टू r प्लस एंड x इज सिमिलर टू n cos r. ओके तो सिमिलर की बात कर रहा है. अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये क्या है मेरे पास x कॉमा y. x x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में है. इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई? अनकाउंटेबल. ओके इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, मतलब कि 0 से 1 के बीच में चॉइसेस हो गए ना. x बिलोंग कर गया मेरे पास क्लोज इंटरवल 0.1 से, तो इसके पास चॉइसेस कितनी हो गए? अनकाउंटेबल, जो कि सिमिलर होता है r के, तो r मतलब अनकाउंटेबल चॉइसेस हो गए. अच्छा y क्या है? y के पास भी मेरे पास अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं. y कुछ भी लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/√2, √2 कुछ भी लो आपका, तब भी ये सेट में आता रहेगा. तो y के पास भी अनकाउंटेबल चॉइसेस हो गई. तो ये इसके पास मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? r क्रॉस r विच इज सिमिलर टू r. यहाँ पर मेरे पास अनकाउंटेबल चॉइसेस हो गई x के लिए. ओके तो x की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? x की कार्डिनलिटी हो जाएगी c. अच्छा इसकी बात करें अगर हम लोग, तो फिर से देखेंगे आप यहाँ पर 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में ये लाई कर रहा है. तो मेरे पास इसकी चॉइसेस कितनी होंगी? r. और y क्या है मेरे पास? 0 है. y केवल 0 है, फिक्स है यहाँ पर इस बार y. तो y की चॉइसेस कितनी है? 1 है. तो r क्रॉस आप सिंगलटन सेट भी करते हो तो मेरे पास क्या आएगा? r क्रॉस सिंगलटन सेट भी करते हो तो मेरे पास सिमिलर टू r ही आएगा. इसके पास भी चॉइसेस कितनी हो गई? अनकाउंटेबल हो गई. ओके तो ये मेरे पास क्या आएगा? लाइक चॉइसेस देख रहे हो तो r क्रॉस 1 कर सकते हो आप, ठीक है. तो ये इसके पास भी आप क्या देखोगे? इसके पास भी कार्डिनलिटी कितनी आएगी मेरे पास? c ही आएगी. तो x की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम नंबर एंड y की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम नंबर. ओके अब ऑप्शन में चलते हैं हम लोग. x इज सिमिलर टू y, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. y इज सिमिलर टू r, करेक्ट. x इज सिमिलर टू r प्लस, करेक्ट, क्योंकि r प्लस की भी मेरे पास कार्डिनलिटी क्या होती है? c होती है, और इसकी भी c है, तो ये नंबर क्या है? सिमिलर है. x इज सिमिलर टू n क्रॉस r, x इज सिमिलर टू n क्रॉस r. अब आप देखेंगे n क्रॉस r जो होगा वो r ही के सिमिलर होगा, तो ये मेरे पास इसके सिमिलर हो जाएगा. ओके तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो 23rd हो गया. चलते हैं 24th की ओर. हाँ 24th नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं. तो 23rd का ए बी सी इज करेक्ट ऑप्शन. 24th नंबर देखते हैं. ओके 24th नंबर में आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा अच्छा कॉन्सेप्ट. 24th नंबर में क्या है? लेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्मॉल x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर n माइनस 1 xn एंड xn बिलोंग्स टू 0, 1 एंड bx इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x is equals to 1 and a set of all disjoint open intervals in R. और मेरे पास क्या है? एक सेट a है and a set of all disjoint open interval in R. okay bx हो गया और b मेरे पास है एक कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है मेरे पास? फाइनाइट है. द डिफाइन अ फंक्शन लाइक एफ सच दैट एंड टू बी, फंक्शन एक डिफाइन है किस तरह से? सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स. मेरे पास फंक्शन डिफाइन है. ओके तो फिर मेरे पास ऑप्शन है. अब यहाँ पर इतना सब कुछ दिया गया है, अब ऑप्शन गिवन है कि b इज सिमिलर टू a एंड f इज 1 1 एंड ऑन टू यूनियन ऑफ bx
इंडेक्स सेट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सिमिलर टू ए एंड बी सिमिलर टू यूनियन ऑफ बी एक्स। ओके, अब चलिए इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, एक एक चीज करते हैं। देखिए कभी भी कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके एक एक पार्ट के बारे में सोचो। पहला क्या गिवन है, एक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्मॉल एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी 2 पावर एन माइनस 1 एक्स एन। ये क्या है, ये क्या है एक्चुअल में? देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब यहां पर आप देखिए एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर आप इसको एक्स को 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। लाइक अगर मैंने 5 लिया, मान लीजिए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 5 लिया, तो 5 को कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, एन इसको सबसे पहले 1 रखोगे आप यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा 2 पावर 1 माइनस 1 0, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास 2 पावर 0 इंटू एक्स 1। ओके प्लस ओके यहाँ पर क्या करोगे 2 पावर 1 इंटू एक्स 2 प्लस 2 पावर 2 इंटू एक्स 3। ओके हाँ, तो आप देख सकते हैं आप मुझे 5 चाहिए, तो 2 2 जा 4, यहाँ एक्स 3 की जगह आप 1 रख लो, और यहाँ पर एक्स 2 की जगह क्या रखो 4 प्लस 1, यहाँ पर तो 1 नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए ये जो मेरे पास एक्शन आ रहा है वो 0.1 केवल और केवल, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। मतलब आप n की वैल्यू कुछ भी रखोगे यहाँ पर, n इसको 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ओके तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स 3 की जगह 1 रख दिया, क्योंकि मुझे 5 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 5 कभी नहीं मिलने वाला है। तो मतलब लाइक ये है कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर दे दोगे आप, तो इस तरह आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके तो x2 की जगह आप क्या लिखोगे आप यहाँ पर, 2 तो चाहिए नहीं, तो 1 तो हम लिख ही नहीं सकते इसको, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर सकते हैं, लाइक ऐसा लिख सकते हैं। ओके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 2 पावर 0 1, और ये 2 पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1। ओके तो मेरे पास ये 5 ही आ जाएगा। तो लाइक किसी भी नंबर को आप, किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर होगा, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके तो क्योंकि एक्शन कहाँ से आ रहा है, 0 लेंगे या 1 लेंगे, इसीलिए हम लोग 0-1 कर रहे हैं। ओके तो ये क्या है, मेरे पास एक्स 1 है, एक्स 2 है, एक्स 3 है, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। ओके तो ये समझ में आया होगा आपको कि x कैसे डिफाइन है, लाइक कोई भी एलिमेंट है हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बस और कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग bx की ओर चलते हैं। bx क्या बोल रहा है, bx is equal to x belongs to natural number, n belongs to natural number such that x is equal to 1। bx कौन सा सेट है कि लाइक इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं, bx में नेचुरल नंबर आ रहा है, कौन से नेचुरल नंबर आ रहा है, जिसके लिए x की वैल्यू 1 है, लाइक x इक्वल टू 1 है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं बात करता हूँ 5 की ही, तो 1 कहाँ कहाँ आया, पहले यहाँ x1 पर आया, x2 पर ये 0 आ गया, ओके और x3 पर 1 आ गया, तो 1 कहाँ कहाँ आया, x1 पर आया और x3 पर आया, लाइक 1 पर आया एंड 3 पर आया। यहाँ पर आप जो n ले रहे थे, x1 कर रहे थे यहाँ पर 1, तो n क्या है मेरे पास, लाइक n ये मेरे पास n नेचुरल नंबर कर रहा हूँ ना, n इसको 1 2 3 4, तो जब ये मेरे पास x1 ले रहा हो तो यहाँ पर 1 आया, और x3 ले रहा हो तो 1 और कॉमा 3, तो इसके सेट में आ जाएंगे, पास में आ रही है आपको। तो bx में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो इसकी कर्नलिटी क्या होगी, मेरे पास 2 होगी, तो 1 कॉमा 3 आ जाएगा। इसी तरह कोई और सेट लेते हैं, लाइक कोई और नंबर लेते हैं आप, लाइक अगर बात करते हैं हम 20 लाइक 18 की बात कर लेता हूँ, मैं 18 की बात करता हूँ। ओके तो सबसे बड़ी पावर पहले देख लेते हैं हम लोग, 2 लाइक हाँ 2 पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 क्यूब इंटू 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पावर 0 इंटू 0। ओके तो 16 है प्लस 2 मेरे पास हो जाएगा। ओके अच्छा अब देखिए x1 क्या है मेरे पास, 1, फिर x2 0, x3 लाइक मेरे पास कहने वाला भी है 0 हो गया, x4 मेरे पास 1 आ गया, तो मेरे पास कौन कौन से सेट आएंगे, 1 कॉमा 4 आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा आएगा, 1 और 4 आ जाएगा, 1 कॉमा 4 आ जाएगा। तो क्या बात समझ आ रही है आपको कि मेरे पास ये कहाँ से डिफाइन हो रहा है, तो ये भी पता चल गया ये क्या है। तो धीरे धीरे समझेंगे ना चीज़ें, एक एक चीज़ समझेंगे सबको समझ में आएगा। ओके बस देखने में थोड़ा सा लगता है आपको, देखने में लगता है कि क्या है एक्चुअल में, कि हाँ तो इतना बड़ा दे दिया पता नहीं क्या ही है, लेकिन आपको धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा। तो इसकी इसको ये समझ में आया आपको कि जो जो वन है ना, जहाँ जहाँ ये वन है उनको, मतलब कि जो इनकी पोजीशन है उसको हम लोग देख लेंगे। ओके जिसकी पोजीशन लाइक इस तरह से पोजीशन, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो तो इधर से काउंट करोगे आप, तो ये टू
और ये मेरे पास आ जाएगा लाइक 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 और 5 आ जाएंगे. ओके, मैंने ऐसा लिख दिया है अगर आप इस तरह से काउंट करोगे तो. ओके चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी तरह से काउंट करेंगे ना हम लोग. आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. एंड ए सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल इन आर. अच्छा, मैंने आपको बताया था, एक स्टेटमेंट बताई थी, प्रूफ तो नहीं बताया था, कि सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल जो होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, ओपन इंटरवल का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है. ओपन इंटरवल का जो कलेक्शन होता है उनका यूनियन लेते हैं हम लोग तो क्या आता है मेरे पास, लाइक काउंटेबल होता है वो. तो ए मेरे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, ए जो होगा वो काउंटेबल सेट होगा. ओके, और ओपन इंटरवल कितने होते हैं मेरे पास, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, उनका कलेक्शन लाइक ले रहे हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या होता है, लाइक ए क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट. और ए काउंटेबल हो गया तो इसका मतलब क्या है, ए सिमिलर हो गया एन के, ए काउंटेबली इनफाइनाइट. ये मैंने स्टेटमेंट लिखाई थी, प्रूफ नहीं बताया था आपको, कि सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का अगर हम लोग यूनियन कर रहे हैं, कहने वाला है ओपन इंटरवल का, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो वो क्या आता है, काउंटेबली इनफाइनाइट आता है. ओके, तो मेरे पास ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगा जो कि सिमिलर होगा नेचुरल नंबर के. ओके, तो ये भी क्लियर हो गया. हम लोग बी इक्वल्स टू एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइनाइट. ओके, तो जैसे कि हमने देखा ए सिमिलर है एन के, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वो सबसेट आ रहे हैं मेरे पास, ए के वो सबसेट आ रहे हैं जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है. तो नेचुरल नंबर के आप अगर आप लाइक इसको सिमिलर बोल रहे हो नेचुरल नंबर के, तो आप नेचुरल नंबर के अगर आप सबसेट लेते हो जो कि फाइनाइट कार्डिनलिटी के हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे फाइनाइट कार्डिनलिटी का एक आया, फिर फाइनाइट कार्डिनलिटी का दूसरा सेट आया, लाइक काउंटेबल काउंटेबल, और जब उनका यूनियन करोगे आप, ऐसे कितने सेट आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं. फाइनाइट कार्डिनलिटी के यहाँ पर इनफाइनाइट सेट आ सकते हैं, लाइक सबसेट बन सकते हैं. अगर मैं बात करता हूँ ओनली वन की, ओनली टू की, तो वो भी तो सबसेट होगा ना, फाइनाइट होगा. और इसी तरह वो कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट बन सकते हैं. काउंटेबली ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनाइट कार्डिनलिटी के हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट मेरे पास सेट बन गए, उनका यूनियन करोगे आप तो मेरे पास क्या आएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा. तो ये कितने बन गए मेरे पास, काउंटेबली इनफाइनाइट बन गए. ओके, तो बी मेरे पास क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया. अगर बी मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो बी किसके सिमिलर हो जाएगा मेरे पास, एन के. काउंटेबली इनफाइनाइट जो भी होते हैं मेरे पास वो किसके सिमिलर होते हैं, एन की कार्डिनलिटी. कहने वाला ये है कि बी की कार्डिनलिटी जो होगी वो एन की कार्डिनलिटी के सेम होगी. ओके, इधर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास क्या आएगा, ए की कार्डिनलिटी एन की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी. ओके, फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन में. तो हमने जितना भी अभी दिया गया था हमने सब कुछ यहाँ पर समझ लिया. ओके, इन फंक्शन की बात अभी हम करेंगे. तो ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है बी सिमिलर टू ए. ओके, ट्रू ऑप्शन, क्योंकि ए एन के सिमिलर है, बी एन के सिमिलर है, तो ए सिमिलर हो गया बी के, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो अब बात करते हैं एफ इज वन वन एंड ऑन टू की. ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पर. अच्छा चलिए, जो हमें फंक्शन गिवन है, जो हमें फंक्शन गिवन है, क्या ये वन वन है, सबसे पहले वन वन चेक करते हैं हम लोग. यहाँ पर देखेंगे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स. देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे आप एक्स चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे बी एक्स भी चेंज होगा. कैसे होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते जाएंगे. ओके, 4, 5, 6 कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर भी बी 4 आएगा, बी 5 आएगा, बी 6 आएगा. उसके लिए यहाँ पर उसके लिए ये चेंज होता चला जाएगा. ओके, उसके लिए मैं प्रूफ तो नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ का, आप ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पर कि एक्स जैसे चेंज करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, आप इवन कुछ भी करोगे, कहने का मतलब ये है, तो उसके लिए ये अलग अलग आना शुरू हो जाएगा, ये अलग अलग आना शुरू हो जाएगा. और ये भी कैसे होंगे, ये फाइनाइट मेंबर आएंगे, जो भी आएगा फाइनाइट आएगा. जैसे मैं बात कर रहा था इसी की, 18 की बात कर रहा था, तो मेरे पास क्या आता, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरे पास 2 और 5 आता, मेरे पास 2 और 5 आता. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि जैसे जैसे आप एक्स चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे बी एक्स डिफरेंट मिलता चला जा रहा है. किसी दो एक्स के लिए यहाँ पर सेम बी एक्स नहीं मिलेगा आपको. ओके, किसी भी दो एक्स के लिए यहाँ पर सेम बी एक्स नहीं मिलवाना. जैसे जैसे एक्स चेंज करोगे वैसे वैसे बी एक्स चेंज होता चला जाएगा. यहाँ पर किसी भी एक दो एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं आने वाली है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ इज वन वन हो जाएगा. ओके, यहाँ पर वन वन की तो सियोरिटी हमें मिल रही है, एफ इज वन वन. लाइक यहाँ पर देख कर ऐसे पता कर रहे हैं, मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहा हूँ. ओके, यहाँ से ऐसा समझ सकते हो आप यहाँ पर कि जैसे जैसे एक्स चेंज करोगे वैसे वैसे मेरे पास बी एक्स भी चेंज होता रहेगा. ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की, अब बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू की देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर कैसे आ रहा है मेरे पास,
ये सेट कैसा आ रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, 5 रखते हो, तो मेरे पास यहाँ पर कैसे फाइनाइट कार्डिनलिटी का ये सेट बनते चले जा रहे हैं, फाइनाइट कार्डिनलिटी का ये सेट बनता चला जा रहा है। ओके, फाइनाइट कार्डिनलिटी का ये सेट मेरे पास बनता चला जा रहा है। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर को जनरेट कर देगा। 1 3 आया, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, लाइक 5 6 ऐसा, 2 3 4 ऐसा भी होगा। ओके, तो ये पूरे के पूरे क्या करेगा, नेचुरल नंबर को ही जनरेट कर देगा। ओके, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर को जनरेट कर देगा मेरे पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये नेचुरल नंबर को जनरेट कर देगा पूरा, क्योंकि सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट लगभग आ जाएंगे इसमें। ओके, जैसे जैसे हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो ये मेरे पास किसके सिमिलर हो जाएगा, ये भी मेरे पास सिमिलर हो जाएगा एन के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। लाइक जैसा बी में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। ओके, तो बी एक्स किसके सिमिलर हो गया, नेचुरल नंबर के। और अगर बी एक्स मेरे पास नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया, तो जो मेरे पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गए, जो मेरे पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गए। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा मेरे पास, ये फंक्शन ऑन टू होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, यूनियन ऑफ बी एक्स, इंडेक्स सेट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लाइक नेचुरल नंबर से आ रहा है। ओके, तो यूनियन ऑफ बी एक्स इज सिमिलर टू ए। अच्छा, देखिए यहाँ पर बी एक्स में जितने मेरे पास मेंबर आ रहे थे, जितने मेरे पास आ रहे थे, सारे कैसे आ रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास कैसे सारे आ रहे थे, फाइनाइट कार्डिनलिटी के आ रहे थे, जितने भी आ रहे थे बी एक्स में, उनका यूनियन लोगे आप तो क्या आएगा मेरे पास, नेचुरल नंबर के ही सिमिलर आएगा। लाइक काउंटेबली इनफाइनाइट ही आने वाला है वो चीज, काउंटेबली इनफाइनाइट ही आने वाला है, वो किसके सिमिलर होगा, और ए क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसी तरह बी सिमिलर टू यूनियन ऑफ बी एक्स, यूनियन ऑफ बी एक्स किससे सिमिलर होगा, नेचुरल नंबर के, और बी सिमिलर है नेचुरल नंबर के, तो मेरे पास यूनियन ऑफ बी एक्स एंड बी ऑल्सो सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं 25th की ओर, 25th करते हैं हम लोग। 25th में क्या गिवन है, लेट ए बी एनी सेट एंड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए मीन्स ऑल सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन है पावर सेट ऑफ ए इज 5, कभी भी पावर सेट ऑफ ए 5 नहीं हो सकता है। अगर आप ए 5 भी चूज कर रहे हो ना, तो उसका क्या होगा, मेरे पास 5 आएगा और एक वैसा सेट आएगा खाली। तो कहने का मतलब ये है कि पावर सेट ऑफ ए कभी भी 5 नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन, पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, ए को आप 5 ले लो या कुछ फाइनाइट ले लो। ओके, तो मेरे पास पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए, ए को फाइनाइट ले लो, फिर से मेरे पास पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट आ जाएगा, जो कि काउंटेबल सेट होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, ए को इनफाइनाइट ले लो, सिंपल सा है, इसीलिए लिखना क्या है इसको। ओके, कोई जरूरी नहीं कि पेन ही चलाओ तभी समझ में आएगा। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल फॉर सम ए, ए को आप इनफाइनाइट ले लो, तो मेरे पास इनफाइनाइट लाइक नेचुरल नंबर के सिमिलर ले लो, तो मेरे पास पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, मेरे पास अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, 26 नंबर देखते हैं हम लोग। तो बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास 25th के। 26 नंबर देखते हैं हम लोग, 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ आर टू आर अनकाउंटेबल। ओके, तो ए ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए ऑप्शन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। बी ऑप्शन है मेरे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू रैशनल। सी ऑप्शन है मेरे पास ए कॉमा बी, देखिए आपको काउंटर एग्जाम्पल चूज करने आने चाहिए, बस हो गया। और काउंटर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, जो आपने पढ़ रखा है उसी में ही करना है, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ मैंने बता दिया है आपको लगभग, ऐसा मैंने कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं बताया है जो थ्योरी में ना बताया हो। अल्जेब्रिक नंबर और वो ट्रांसेंडेंशियल नंबर थे, तो उनको मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे, वो थोड़ा अलग थे, बाकी तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। अच्छा, ये देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर टू सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी।
इसमें क्या है, पेयर आ रहा है ना ए कॉमा बी के, कौन से अनकाउंटेबल होंगे हमें ये चूज करना है। अच्छा देखिए, कभी भी अगर मुझे इनइक्वालिटी दी गई हो, लाइक रिलेशन दिया गया हो, तो आप कुछ ऐसा करिए कि दूसरे वाले को पहले वाले के टर्म में ही लिखने की कोशिश करिए। कभी भी दो में रिलेशन दिया गया हो तो ऐसा कुछ बनाइए कि दूसरे वाले को आप पहले वाले के रिलेशन में ही लिख पाओ। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर क्या है, बी हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। ओके तो बी को मैं ऐसा चूज कर सकता हूँ, अगर मैंने बी को ए प्लस वन चूज किया मान लीजिए, तो मेरे पास इसमें किस टाइप के सेट आएंगे, ए कॉमा ए प्लस वन टाइप के आएंगे। ओके और ए के लिए चॉइसेस कितनी है, अनकाउंटेबल चॉइसेस है, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर कितने ऐसे बन सकते हैं मेरे पास, अनकाउंटेबल यहां पर आ सकते हैं। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अनकाउंटेबल हमें देखना है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रैशनल, कुछ नहीं करना है, जैसा दिया गया है वैसा ही करो। a प्लस बी रैशनल है तो a प्लस बी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, a प्लस बी इसको p by q टाइप का लिखेंगे हम लोग, gcd of p comma q is 1। ओके तो b इसको यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, p by q माइनस a। तो इस बार फिर से यहां पर कैसे पेयर आएंगे, a कॉमा p by q माइनस a। ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर लाइक अनकाउंटेबल चॉइसेस हो गई। तो यहाँ पर भी कितनी चॉइसेस हो जाएंगे मेरे पास, अनकाउंटेबल चॉइसेस हो गए। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके सी ऑप्शन देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स लाइक मैं कोई एक नंबर ले लूँ एम। ओके तो ए बी इज इक्वल्स टू मैं कर दूँ एम, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, एम बाई ए। फिर से आप अगर पेयर में लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे, ए कॉमा m by a। ओके फॉर ऑल लाइक a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो बस जीरो आप हटा दो, बाकी a के लिए चॉइसेस कितनी है। ओके जीरो नहीं रखना है हमको, a के लिए चॉइसेस कितनी है मेरे पास, r है, अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं। तो एक चॉइस को हटा दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला अनकाउंटेबल। ओके तो मेरे पास ये भी अनकाउंटेबल हो गया। सॉरी इसको देखते हैं हम लोग, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल, अगर मेरे पास ए की चॉइसेस भी रैशनल है, मतलब ए रैशनल से ही आ रहा है और बी भी रैशनल से ही आ रहा है, तो ये भी रैशनल से ही अगर आ रहा है, अगर इनका मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो रैशनल नंबर ही आएगा। ओके तो रैशनल आ गया, इसकी कर्नलिटी कितनी हो गई, रैशनल हो गई, कहने का मतलब ये एलिफ नॉट हो गई। ओके तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरे पास अनकाउंटेबल नहीं होगा, countably infinite हो गई है। ओके तो इसका ऑप्शन होगा ए बी सी एंड आर टू। ओके तो 27 देखते हैं, मे बी आप लोगों ने कर लिया होगा इसे, आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। देखिए अगर आप असाइनमेंट्स पहले अगर सॉल्व करते हैं फिर सॉल्यूशन देखते हैं तब आपका फायदा है, अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देखते हैं तब आपका कोई फायदा नहीं है। ओके तब आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 27 नंबर देखते हैं हम लोग, 27 नंबर देखते हैं। हाँ 27 नंबर में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू, ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है f such that, 27 नंबर है, f such that r to r f of x इज इक्वल्स टू x by x square plus 1 फॉर ऑल x belongs to r। b ऑप्शन है f such that r to r, मेरे पास सब में कॉमन है। ओके मैं केवल फंक्शन लिख रहा हूँ, f of x is equal to mod of x upon mod of x plus 1 for all x belongs to r। c ऑप्शन है मेरे पास, f of x is equal to mod of x, ये सब में कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है। ओके फॉर ऑल x belongs to r, ये थर्ड ऑप्शन था। ओके चलिए इनकी बात कर लेते हैं हम लोग, x है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ओके अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ देखता हूँ, x का ग्राफ मेरे पास कैसा होगा, लाइक ऐसा होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कैसा होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा मेरे पास। ओके एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होगा ना वो हमेशा x से बड़ा होगा। ओके तो यहाँ पर आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन x। ओके यहाँ से क्या कर सकते हो आप, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन वन। ओके तो यहां पर क्या हो गया, ये जो मेरे पास रेंज आ गई ना, ये मेरे पास रेंज है, ये क्या है मेरे पास, ये तो रेंज है ना, रेंज क्या हो गई, लेस देन वन हो गई।
लेस देन वन हो गई, ओके। और ऑन टू कब बोलते हैं, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। देखिए इक्वल वर्ड सिमिलर वर्ड इन दोनों में फर्क है, इक्वल वर्ड सिमिलर वर्ड दोनों में फर्क है। ए इक्वल है बी के, तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट होगा बी के और बी सबसेट होगा ए के। कार्डिनलिटी वाइज तो सेम ही रहेंगे, लेकिन सिमिलर में क्या है, कार्डिनलिटी उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा माइंड में जो चीज है इसको थोड़ा सा डिफरेंस बनाना है हमें कि सिमिलर वर्ड और इक्वल वर्ड दोनों में फर्क है, ओके। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑन टू फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है, लाइक ऑन टू हम तब बोलते हैं कि ये मेरे पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए। लेकिन क्या यहाँ पर वन से सारे जितने लेस है ना वो सारे मैप कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ओके, वो रेंज में आ रहा है मेरा। वन के आगे वाले तो आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, रेंज मेरे पास कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ये ऑन टू नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके। बाकी तो अपने आप कर लोगे, अब बाकी अपने आप कर लोगे आप, ओके। ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, सॉरी, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ एक्स के, तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो लेस देन वन होगा, वो लेस देन वन होगा। तो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास रेंज आई वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या है, ये भी ऑन टू नहीं होगा, ये भी ऑन टू नहीं होगा। इसको देख सकते हो ये मेरे पास क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जीरो से जो लेस वाला रहेगा वो कहाँ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसके इक्वल नहीं आया, आर के इक्वल कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑन टू नहीं होने वाला है। तो ए बी सी आर करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। अगर क्वेश्चन सही है तो डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा, तो हमें देखना ही नहीं है, सीधा करेक्ट लगा देना है, ओके। लेकिन अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या है डी ऑप्शन। एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन, एफ इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन। वन डिग्री का पॉलीनोमियल कैसा होता है मेरे पास, लाइक अगर हम एक्स चूज करेंगे, फंक्शन चूज करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी टाइप का करेंगे, वन डिग्री का पॉलीनोमियल। अब आप देख सकते हो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा वन 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 टू फंक्शन एक्जिस्ट करती है। स्ट्रेट लाइन अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा वन 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 टू फंक्शन बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, तो हमेशा वन 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 टू फंक्शन बनाएगी, लाइक इसकी जो रेंज होगी वो आर के इक्वल हो ही जानी है, ओके। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, ओके, जैम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, ओके, और हर जगह नेट जीआरएफ में भी, टीआईएफआर वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं कि थोड़ा सा आपकी ग्राफिकल अप्रोच कैसी है, लाइक टीचर ये देखना चाहता है कि आपकी ग्राफिकल अप्रोच कैसी है, ओके। 28th नंबर देखते हैं हम लोग, 28th नंबर है, 28th नंबर है मेरे पास, ए डज नॉट इक्वल टू 5, ए मेरे पास एम्प्टी सेट नहीं है, विच इज अ सबसेट ऑफ आर, एंड ए ओवर एक्स बी सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स विद कोएफिशिएंट्स फ्रॉम ए, ओके। ए ओवर एक्स क्या है मेरे पास, मेरे पास कोई पॉलीनोमियल है, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स विद कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, तो ए ओवर एक्स क्या है मेरे पास, ए इज नॉन एम्प्टी सेट विच इज अ सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल विथ कोएफिशिएंट फ्रॉम ए, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, इफ ए इज फाइनाइट, ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ऑप्शन है मेरे पास, इफ ए इज फाइनाइट दिस इंप्लाइज ए ओवर एक्स इज फाइनाइट। बी ऑप्शन मेरे पास है, इफ ए इज इनफाइनाइट, ओके, दिस इंप्लाइज ए ओवर एक्स इज इनफाइनाइट। सी ऑप्शन है मेरे पास, इफ ए इज इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज ए ओवर एक्स इज काउंटेबल, ओके। डी ऑप्शन है मेरे पास, इफ ए ओवर एक्स इज काउंटेबल, countable, this implies a similar to n, okay। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं c and d option, देख लेते हैं हम लोग, a क्या है मेरे पास, infinite है, okay। अगर मेरे पास a infinite है तो भाई ये countable भी हो सकता है, uncountable भी हो सकता है, okay। और यहाँ पर क्या है, set of all polynomials है, तो polynomial किस type के होंगे मेरे पास, कुछ ऐसा a0 plus a1x plus a2x
स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन एक्स पावर एन। ओके, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो a नॉट a वन a टू a थ्री एंड सो ऑन a n आ रहा है मेरे पास, वो कहां से आ रहा है? वो a से आ रहा है, वो a से आ रहा है। अब देखते हैं यहां पर, पहले c और d देख लेते हैं। ये अगर मेरे पास इनफाइनाइट है, ओके, ये अगर मेरे पास इनफाइनाइट है, अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हुआ, काउंटेबली इनफाइनाइट हुआ, तो यहां पर कितनी चॉइसेस आएंगे? इनके पास काउंटेबल रहेगी, इनके पास काउंटेबल रहेगी, तो हम कितने पॉलीनोमियल बना पाएंगे? ऐसे काउंटेबल बना पाएंगे, कहने ये है काउंटेबल चॉइसेस आएंगे, तो काउंटेबल यूनियन कर रहे हैं तो वो मेरे पास काउंटेबल ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल ले लूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं अनकाउंटेबल ले लूँ, लाइक ए को आर बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर ए को आर बना दूँ, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल चॉइसेस रहेंगी इनके पास। अगर अनकाउंटेबल चॉइसेस रहेंगी तो ऐसे अनकाउंटेबल पॉलीनोमियल बन जाएंगे मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पर ए और एक्स क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं अनकाउंटेबल लूंगा तो मेरे पास ये क्या आना चाहिए? अनकाउंटेबल, लेकिन ये काउंटेबल आएगा। ओके, मतलब ये ऐसा इंप्लाई कर रहा है कि अगर मैं इनफाइनाइट लूंगा तो ये काउंटेबल ही आएगा, लेकिन अगर मैं अनकाउंटेबल इसको चूज करूंगा तो ये मेरे पास क्या आने वाला है? अनकाउंटेबल आने वाला है, काउंटेबल नहीं होगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओके, डी ऑप्शन देखते हैं। इफ ए ओवर एक्स इज काउंटेबल, दिस इंप्लाइज ए सिमिलर टू एन। अब देखिए यहां पर क्या है, काउंटेबल होगा तो मेरे पास क्या होगा? ये फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा, दो चॉइसेस हैं। अगर मैं यहां पर फाइनाइट ले लेता हूं ए ओवर एक्स, ए ओवर एक्स मैंने फाइनाइट ले लिया, मतलब यहां पर सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स कितने हैं? फाइनाइट हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स कितने हैं? फाइनाइट है, मतलब यहां पर पॉलीनोमियल्स ही फाइनाइट बन रहे हैं। तो भाई उनके जो कोएफिशिएंट हो आ रहे हैं ए से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो फॉर ऑल ए आई है वो बिलोंग कर रहे हैं ए से, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये पॉलीनोमियल मेरे पास कैसे आ रहे हैं? फाइनाइट है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ए नॉट ए वन ए टू एंड वन ए एन जो है मेरे पास और ए आईज होंगे वो मेरे पास किसी फाइनाइट सेट से आ रहे होंगे। ओके, लेकिन यहां पर क्या है, मेरे पास ए सिमिलर टू एन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट बता दी गई, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइक ए ओवर एक्स मेरे पास काउंटेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, हमें तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड करना है। इनफाइनाइट होगा तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम अनकाउंटेबल ले लेंगे तो फिर मेरे पास ए सिमिलर एन के नहीं आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो गया, इनफाइनाइट में भी ऐसा नहीं आने वाला है। ओके, इनफाइनाइट में भी अगर मैं ले लूंगा यहाँ पर तो मेरे पास ऐसा नहीं आएगा। अगर मैं अनकाउंटेबल लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर काउंटेबली बात हो रही है, तो इनफाइनाइट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो वो सिमिलर हो जाएगा उसके, तो हम यहाँ पर फाइनाइट ही लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ए और बी में। इफ ए इज फाइनाइट, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये फाइनाइट है, तो जितने भी आपके ये कोएफिशिएंट्स ले रहे हो इनको फाइनाइट, लाइक ये अगर फाइनाइट है, इस सेट के मेंबर्स फाइनाइट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये फाइनाइट ही पॉलीनोमियल क्रिएट होगा। लाइक यहाँ पर जो जितने भी पॉलीनोमियल बनेंगे, कितने बनेंगे? फाइनाइट ही पॉलीनोमियल बनेंगे, तो ए ओवर एक्स इज फाइनाइट। ओके, तो ये ऑप्शन इज ट्रू। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पर कि मेरे पास ए से आ रहा है, अगर ये सेट कुछ लाइक वन टू थ्री है, तो जितने भी आप पॉलीनोमियल बना पाओगे, लेकिन इनके कोएफिशिएंट से ही बनाओगे, तो कितने बनाओगे? फाइनाइटली ही बना पाओगे, तो ए ओवर एक्स इज फाइनाइट। ओके, इफ ए इज इनफाइनाइट देन ए ओवर एक्स इज इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट रहेगा तो मेरे पास यहाँ पर इनके पास इनफाइनाइटली चॉइसेस रहेंगी, इनके पास इनफाइनाइटली चॉइसेस रहेंगी यहाँ पर पॉलीनोमियल बनने के। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये भी ट्रू हो गया। यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट कर लो या अनकाउंटेबल कर लो, यहाँ पर बात सेम आने वाली है, ओनली इनफाइनाइट हालांकि बोला है उसने, तो ये मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी ट्रू हो गया। तो हमें बस ये देखना है कि कोएफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कोएफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज हमें देखना है। अगर फाइनाइट है तो पॉलीनोमियल कितने बना सकते हो आप? फाइनाइट बना सकते हो, और अगर मेरे पास इनफाइनाइट है तो आप इनफाइनाइट क्रिएट कर सकते हो पॉलीनोमियल, एक सेट ऑफ पॉलीनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, और पॉलीनोमियल की ही बात कर रहा हूँ आपको। 29th नंबर देखते हैं हम लोग, 29th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, कौन सा अनकाउंटेबल होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉमा बी, 29th नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा अनकाउंटेबल होगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, सेकेंड ऑप्शन है एवरी सबसेट ए ऑफ आर, एवरी सबसेट ए ऑफ R such that A intersection Q is equals to 5. ये Q है, okay? A intersection Q is 5 R minus A where A intersection Q complement is equals to 5. And D option if A is equals to
अल्फा सच दैट पी ऑफ अल्फा डज नॉट इक्व टू जीरो फॉर ऑल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स देन ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन शायद आप कर सकते हो इजिली, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी और क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास सारे अनकाउंटेबल ही आएंगे अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो, मतलब इनके बीच के जितने भी इरेशनल नंबर आएंगे वो आ जाएंगे मेरे पास। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सारे अनकाउंटेबल होते हैं, तो मेरे पास ये मेरे पास क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ बोला गया है फॉर ऑल ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ए को बी के इक्वल ले लेता हूँ, देखिए हमेशा ट्रिवियल का केस हमेशा सोचा करिए, अगर मैं ए को बी के इक्वल ले लूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा फाई, और फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो मेरे पास आएगा फाई जो कि क्या होगा काउंटेबल होगा, जबकि हमें क्या करना था अनकाउंटेबल, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके तो हमें सावधानी बरतनी है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एवरी सबसेट ए ऑफ आर, मतलब ए का एवरी सबसेट ए ऑफ आर, आर का हम कोई भी सबसेट ले रहे हैं, सच दैट ए इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू फाइव, ए इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू फाइव, तो आर का कोई भी एवरी सबसेट ए ऑफ आर सच दैट ए इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू फाइव। ओके तो यहाँ पर अगर हम आर का कोई भी सबसेट लें और उसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन करें, मतलब यह है आर का हम कोई भी सबसेट लें क्यू के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास फाई आएगा। ओके तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल क्या है, ये चीज जो ऐसा सेटिस्फाई करेगा क्या वो अनकाउंटेबल होगा। तो अगर आप देखिए पहले आपको शायद दिमाग में आया क्यू लाइक इरेशनल आए, क्योंकि अगर फाई आ रहा है तो मेरे पास आर में क्या होता है, या तो रैशनल होता है, रैशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है, रैशनल यूनियन इरेशनल। ओके तो जब इंटरसेक्शन करने पर फाई आ रहा है इसका मतलब क्या है, इरेशनल आना चाहिए। ओके तो आप इरेशनल ना लेकर लाइक उसने बोला एवरी सबसेट ऑफ आर, तो कोई भी एक दो एलिमेंट ले लीजिए इरेशनल का, लाइक रूट टू ले लिया हमने, रूट थ्री ले लिया, तो मैंने केवल ए को क्या ले लिया, रूट टू ले लिया। अब अगर इंटरसेक्शन करोगे क्यू के साथ तो मेरे पास फाई आएगा। ओके तो क्या मेरे पास ये एवरी सबसेट, इसने बोला ना एवरी सबसेट ऑफ सबसेट ए ऑफ आर जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे वो अनकाउंटेबल होगा, जबकि ये क्या है काउंटेबल है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब लैंग्वेज समझ में आ रही होगी कि एवरी सबसेट ए ऑफ आर सच दैट दिस, देन जो सबसेट होगा वो क्या होगा अनकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब जितने भी सबसेट आप ले रहे हो इसको फॉलो करते हैं वो सारे क्या होने होंगे अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन हमने एक काउंटेबल ले लिया। ओके सी नंबर देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी नंबर देखते हैं, आर माइनस ए वेयर ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाइव। अच्छा क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ जो आप ले रहे हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ आप ले रहे हैं अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो फाइव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कुछ भी लेंगे आप रेशनल से ही लेंगे, मतलब ए रेशनल का ही सब्जेक्ट होगा अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वही ऊपर वाली बात है, तो फाइव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इधर ए जो लेना होगा हमको रैशनल से ही लेना होगा। अब आप अगर रैशनल का कोई एक एलिमेंट ले लो या पूरा रैशनल ही ले लो, ओके रैशनल का एक एलिमेंट लो, दो लो, दस लो, ओके जितने भी लो अगर इंटरसेक्शन करोगे वो फाइव आएगा, पहली चीज ये हो गई। और अगर आप रैशनल के माइनस करोगे आर में से तो मेरे पास क्या आएगा अनकाउंटेबल आएगा हमेशा, क्योंकि आर में से अनकाउंटेबल में से अगर आप काउंटेबली इनफाइनाइट या सॉरी अनकाउंटेबल में से अगर आप काउंटेबल माइनस करते हो तो हमेशा अनकाउंटेबल आने वाला है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके डी होते हैं हम लोग, इफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा सच दैट पी ऑफ अल्फा डज नॉट इक्वल जीरो फॉर ऑल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू ओवर एक्स। अच्छा अभी मैंने आपको अल्जेब्रिक की डेफिनेशन बताई थी कि क्या बताई थी अल्जेब्रिक नंबर की, कि मेरे पास वो पॉलिनोमियल के रूट्स, उन पॉलिनोमियल के रूट्स जिनके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे होते हैं, रैशनल से आ रहे होते हैं, तो मेरे पास हम लोग क्या बोलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेरे पास अल्जेब्रिक नंबर होते हैं। और जो उन रूट नहीं होते हैं, ऐसे जिनके रूट नहीं होते हैं उनको हम लोग ट्रांसेंडेंशियल नंबर बोलते हैं, तो ये सारे क्या आएंगे ट्रांसेंडेंशियल नंबर आएंगे, मतलब कहने को लो ये है ये किसका सेट है, ट्रांसेंडेंशियल नंबर का सेट है, ए ट्रांसेंडेंशियल नंबर का सेट है, तो मेरे पास ये क्या होगा देन ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये ट्रांसेंडेंशियल नंबर का सेट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि ये मेरे पास ये क्यू है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ओके तो यहाँ पर भी कुछ मेरे पास ये क्या होते हैं सारे, ये अल्जेब्रिक नंबर होते हैं और ये मेरे पास ट्रांसेंडेंशियल नंबर होते हैं, तो ट्रांसेंडेंशियल नंबर ये है मेरे पास। ओके और इंटरसेक्शन क्यू करोगे, इंटरसेक्शन ये क्यू है पूरा, तो ये पार्ट आएगा ना मेरा,
जो कि अनकाउंटेबल होगा. तो मेरे पास दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके, तो ये मेरे पास क्या आएगा, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट. 30 नंबर देखते हैं. 30 नंबर सिंपल है, 30 नंबर में भी कर लिया होगा आपने. ओके तो इसमें ये देखना था हमें. थर्टी नंबर देखते हैं हम लोग. थर्टी नंबर है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ए ऑप्शन है मेरे पास, ए सिमिलर टू बी. अगर मेरे पास ए सिमिलर है बी के, ओके, तो कर्नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कर्नलिटी ऑफ बी. ओके, देयर एग्जिस्ट एफ कॉमा जी सच दैट, एफ सच दैट लाइक ए टू बी. मतलब फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि मेरे पास ए और बी सिमिलर है. Then there exists f such that a to b and g such that a b to a on to function. अब देखिए यहां पर अगर मेरे पास ये दोनों सिमिलर है, इनकी कार्डिनलिटी मेरे पास इक्वल है, a की कार्डिनलिटी इक्वल है b की कार्डिनलिटी के, वो सेट इक्वल नहीं हो सकते. देखिए सेट इक्वल की हम बात नहीं करते, हो सकते क्या, मतलब हम सेट इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिमिलर की बात कर रहे हैं. तो यहां पर क्या होगा, कार्डिनलिटी सेम होगी. ओके अगर मेरे पास कार्डिनलिटी सेम हुई तो यहां पर हम लोग एक 1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट करा देंगे. एक तो मेरे पास 1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट हो ही जानी है. ओके तो यहां पर वही बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट ए टू बी ऑन टू और जी सच दैट बी टू ए ऑन टू. तो वही बात हो गई मेरे पास कि यहां पर मेरे पास कार्डिनलिटी सेम है तो ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड में 1-1 बोला है तो 1-1 मैपिंग भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमिलर है दोनों. तो एक तो एटलीस्ट वन तो एग्जिस्ट कर ही जाएगी. ओके तो सी ऑप्शन देखते हैं, ए सिमिलर टू बी. बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ए सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट एफ कॉमा जी सच दैट. देखिए सी ऑप्शन है मेरे पास, ए सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट एफ कॉमा जी सच दैट A to C 1-1 and G B to D 1-1 और यहाँ पर C सबसेट है B का, D सबसेट है A का. ओके तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं. तो A सिमिलर है B के, इफ देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट A to 1-1 लाइक A to C 1-1 एंड G B to D 1-1. अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमें लाइक एक एग्जिस्ट करानी है, एक एग्जिस्ट करानी है. क्या ऐसा एक एग्जिस्ट कर सकता है फंक्शन, लाइक ऐसा फंक्शन और ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है. तो यहाँ पर ए अगर सिमिलर है बी के, ओके, और सी यहाँ पर देखेंगे क्या 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर सकती है एक. तो यहाँ पर देखिए सी को लाइक ये सबसेट है ना इसका, सी को अगर आप बी ही ले लेंगे क्योंकि ये सबसेट है इसका, तो सी को आप बी ले सकते हैं. तो सी को अगर आप बी ले लेंगे तो ये 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी. इसी तरह बी को आप डी ले लेंगे, सॉरी यहाँ D सबसेट है A का, तो D की जगह आप A ले लेंगे तो मेरे पास ये 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी. मतलब ऊपर से ही लिंक है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके तो C ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये हुआ 30 तक.